जय श्री कृष्ण दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ। रात्रि के अंतिम प्रहर यानी जो तीसरा प्रहर होता है, तीसरा भाग होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अर्थात सूर्योदय से 72 मिनट पहले के काल को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। शास्त्रों में यही समय निद्रा त्याग के लिए उचित बताया गया है। मनुस्मृति में कहा जाता है, ब्राह्मी मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य छह कारणी, अर्थात प्रातः काल ही निद्रा पुण्य एवं सत्कर्मों का नाश करने वाली होती है। इसके विशेष फायदे एवं लाभ बताए जाते हैं। वर्ण कीर्ति यशा लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुष्य विंदती ब्राह्मी मुहूर्ते संजाग्रच्छयम व पंकजम यथा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति पुरुष सौंदर्य लक्ष्मी स्वास्थ्य आयु आदि वस्तुओं को प्राप्त करता है। उसका शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। उस समय उठने वाले को किसी भी ग्रह नक्षत्र का बुरा असर नहीं होता है। इस समय दैवीय शक्तियां पृथ्वी लोक पर विचरण करती है। उनकी दैवीय शक्तियां और आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 7 नदियों का जल जितना प्रभाव करता है, उतना प्रभाव सुबह के स्नान से प्राप्त होता है। स्नान करते समय ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें या ब्रह्म स्नान कहलाता है, और देव नदियों का स्मरण करें, गंगे यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेश्वर मंडल। इस मंत्र को आप पढ़ते रहें, आपको 7 नदियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। देव स्नान भी इसे कहा जाता है। इस समय स्नान करने से तीनों दोष शांत होते हैं और मन बुद्धि बलवान होती है। ब्रह्म मुहूर्त में तामसी शक्तियां सुप्तावस्था में होती है। मन और बुद्धि सकारात्मक होती है, ध्यान जल्दी लगता है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है। पढ़ने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि बुद्धि 100% काम करती है। तो ये थे ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कुछ लाभ। आशा आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए कमेंट में जय श्री कृष्ण वचन लिखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।